Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are going to discuss about the property for nodal points. हमने nodal points के बारे में पढ़ा था हमारे पिछले जो वीडियो में previous video में. यहाँ पे हम बात करेंगे properties for nodal point. जो nodal point होते हैं वो क्या होता है, basically आपको यहाँ से बता देता हूँ कि nodal point अगर हम एक lens system इस type से लेते हैं, ये जो है बीच में lens system है और यहाँ से अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसे जाती है तो आफ्टर रिफ्रेक्शन वो यहाँ पे मिलती है. इसका ये जो एंगल है और ये एंगल है, इन दोनों एंगल्स का जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है वो हमेशा यूनिटी होता है. यानी कि इट कैन से सॉरी वी कैन से दैट एंगल बिटवीन ये जो एंगल है यहाँ का और यहाँ का जो एंगल है वो दोनों इक्वल होने चाहिए. यानी थीटा वन और थीटा टू इक्वल होते हैं, इक्वल होने चाहिए या फिर उनका एंगुलर मैग्निफिकेशन वन होना चाहिए. उस पॉइंट्स को हम नोडल पॉइंट्स कहते हैं. हम यहाँ पे उसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं. उससे पहले ये जो आप बड़ा सा एक डायग्राम देखते हैं उसको हम समझ लेते हैं. हमने कार्डिनल पॉइंट्स की बात की थी, वहां पे हमने तीन कार्डिनल पॉइंट्स पढ़े थे. सबसे पहला पढ़ा था P1 P2 यानी कि जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल पॉइंट्स, और इससे पास होने वाला ये जो आप देख रहे हैं प्लान, इस प्लान को कहते हैं हम प्रिंसिपल प्लान. ये ऊपर H1 और नीचे यहाँ से आ जाता है H1-। फिर बात करते हैं इस P2 पॉइंट से पास होने वाले को भी प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं, यहाँ पे H2 और यहाँ पे आ जाता है H2-। फिर हमने बात किया था फोकल जो पॉइंट्स होते हैं प्रिंसिपल फोकस पॉइंट के बारे में, ये F1 है ये F2 है. यहाँ से पास होने वाले जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं, ये इससे ऑरेंज कलर से यहाँ पे डिनोट किया है, ये होते हैं फोकल प्लेन्स. ओके, देन यहाँ पे ये है नोडल प्लान, सॉरी नोडल पॉइंट, और ये भी है यहाँ पे N2 और N1 से डिनोट किया हुआ नोडल पॉइंट. सो वह डायग्राम को समझते हैं कि हमारी एक ऑब्जेक्ट को हमने ए पॉइंट पे रखा है, यानी कि इस फोकल प्लेन पे रखा है. इस ए पॉइंट से जो है वो एक्सिस के पैरेलल ये इस टाइप से आगे बढ़ रही है. ये पूरा इसके बीच में जो है वो लेंस सिस्टम है यहाँ पे. ओके, लेंस निकाय है, तो इसका क्या होगा, यहाँ से रिफ्रेक्शन होगा. तो ये चलने तो ऐसी पैरेलल चाहिए थी आगे, बट उसमें क्या हो रहा है, रिफ्रेक्शन हो रहा है. हम जानते हैं, वी नो दैट the line is parallel to the principal axis when the after refraction it will passes through the focus point. ये हमेशा focus point से गुजरेगी, तो ये parallel है, इसलिए यहाँ ये कहाँ से गुजरती है, focus point F2 से गुजर रही है. ओके, देन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि आगे मैं अगर एक और रे लेता हूँ जो कि इसी के पैरेलल है, ये वाली जो है वो एक्सिस पैरेलल है, आप देख सकते हैं. तो इसी के पैरेलल अगर मैं यहाँ से एक रे लेता हूँ तो वो ऐसे है, और यहाँ से आने के बाद में इस प्रिंसिपल पॉइंट यानी कि लेंस सिस्टम से रिफ्रेक्शन होगा यहाँ से, तो वो क्या चलेगी, ऐसे चलेगी, यानी कि एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. अब एक्सिस से या फिर हमें एक्सिस के इसको कह सकते हैं पैरेलल है. फिर आफ्टर रिफ्रेक्शन उसी हाइट से वो क्या होगी, रिफ्रेक्टेड होगी. यहाँ से देखो उसी हाइट से, देखो ये हाइट और ये हाइट बराबर है, तो यहाँ से ये क्या हो रही है कि ये यहाँ से वैसे रिफ्लेक्टेड हो रही है, और ये रिफ्रेक्शन के बाद में रिफ्रेक्शन हो रहा है, और ये यहाँ पे जाके यहाँ पे इसको कट करती है. यानी कि जो फर्स्ट लाइन यहाँ से ये वाली जो लाइन आ रही है उसको, और यहाँ से ये वाली जो लाइन आ रही है, दोनों एक पॉइंट पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट करने बाद में जहाँ पे इमेज का निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन होता है इमेज का. ये है आपका बेसिकली जो डायग्राम है उसको समझना, अपने डायग्राम को बताया. अब हमारा जो मेनली कंसेप्ट होगा वो इन ट्रायंगल्स पे होगा. एक ये ट्रायंगल होगा, इस पे कंसेप्ट होगा, और सेकंड हम बात करेंगे जब हम अलग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, उस टाइम एक और ट्रायंगल का यहाँ पे यूज करेंगे. देन बात करता हूं मैं यहाँ पे कि ये जो ट्रायंगल है इसमें ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है. अब ये जो एंगल है ये θ1 एंड θ2 इक्वल होंगी. क्यों होंगे, क्योंकि हमने इसके पैरेलल तो लाइन ली है, हमने इस लाइन के पैरेलल ही ये वाली लाइन ली है. ओके, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि θ1 एंड θ2 इक्वल है, और हमको जो है इनका यूज करते इस डायग्राम का, ये तीन जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं इन प्रॉपर्टी का प्रूफ करना है. तो इन प्रॉपर्टी का प्रूफ करते हैं, सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसका हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, एक बार थोड़ा डायग्राम को और समझ लेते हैं कि यहाँ से ये वाले जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, बिकॉज मैंने कहा था उसी हाइट से वो रिफ्रेक्शन उसमें होता है. ओके, तो यहाँ से हम एक बार लिख लेते हैं इन सारे पॉइंट्स को जो भी मैंने आपको बताया है. तो फर्स्ट मैं यहाँ से लिख रहा हूं कि एंगल θ1 इज इक्वल टू θ2 अकॉर्डिंग टू फिगर से हमने, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन जो है वो पैरेलल बनाई है, पैरेलल यहाँ से एक रे को भेजा है, इंसिडेंट रे को, इसलिए ये इक्वल हो जाएंगे. देन मैं बात करता हूं कि यहाँ से P1 T1
इज इक्वल टू यहां से क्या होगा पी टू टी टू, बिकॉज ये उसी हाइट से रिफ्रेक्टेड, उसी हाइट से उसका रिफ्रेक्शन होता है जिस हाइट से वो उस पर इंसिडेंट होती है, लेंस निकाय में ऐसा सिस्टम है। तो यहाँ से ये भी हमने इसको भी इक्वल कर दिया, इक्वल होगा हमारा यहाँ पे, हम दो ट्राइंगल हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल की यहाँ पे बात करते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फ्रॉम ट्राइंगल टी वन पी वन एन वन, यहाँ पे आप देख सकते हैं टी वन पी वन एन वन जो है वो, अब यहाँ पे एन वन मैं आप बता देता हूँ, एन वन जो है वो नोडल पॉइंट है, ओके, नोडल पॉइंट जिसको हम कहेंगे वो एन वन है। तो एक ये ट्राइंगल ले रहे हैं एंड सेकंड ट्राइंगल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से टी टू पी टू एन टू, सेकंड ट्राइंगल हम ये ले रहे हैं। तो इन ट्राइंगल्स में क्या हो रहा है आप देखें कि ये वाली साइड जो है, एक तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर वन, यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर वन क्या हो रहा है, थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू एंड पी वन टी वन इज इक्वल टू पी टू टी टू। अब ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, दोनों इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं इसकी ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड, ये ओके, ये जो साइड हम यहाँ से देख रहे हैं पी वन एन वन, ओके, ये जो सॉरी ये वाली साइड, हम ये छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा ना, इसलिए ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे ये एंगल इक्वल है, ये लाइन इक्वल है, और ये वापस देख सकते हैं आप, इधर ये 90 डिग्री है, इधर ये 90 डिग्री है, एक हम ये भी ले लेते हैं वापस एंगल, एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल यहाँ पे हम देखते हैं कि एंगल पी वन जो है, एंगल पी टू जो है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से ए एस ए जो सर्वांग क्षमता का रूल होता है, कॉन्ग्रुएंट जो कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है, उसको हम यहाँ पे यूज करके क्या कह सकते हैं, बाय सी पी सी टी या फिर बाय ए एस ए, हमने क्या किया ट्राइंगल पी वन सॉरी हाँ ट्राइंगल टी वन पी वन एन वन कॉन्ग्रोएंट है, इसका सर्वांग सम है किसके, ट्राइंगल पी टू टी टू एन टू के। तो हम क्या कह सकते हैं बाय सी पी सी टी रूल, यानी कि कॉन्ग्रोएंट जो भी होते हैं सर्वांगसम त्रिभुज, उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स एंड क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड और ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड इक्वल होती, सो वी कैन से दैट हेयर पी वन एन वन इज इक्वल टू पी टू एन टू, यानी कि प्रिंसिपल पॉइंट और नोडल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट एंड फर्स्ट नोडल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस पी वन एन वन, सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट एंड सेकेंड नोडल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पी टू एन टू इज इक्वल, ओके। ये है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमको सॉल्व करना है वो यही सॉल्व करना है, यही प्रूफ करना है, दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसको हम कह देंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हमको फाइंड करनी है तो सेकंड प्रॉपर्टी में कह रहा है कि पी वन पी टू यानी फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट एंड सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो एन वन एन टू के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं कि हमने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल फाइंड किए यहाँ से यहाँ तक कि हम इसमें ये वाली जो डिस्टेंस है इसको ऐड कर देते हैं, यानी एन वन पी टू डिस्टेंस को इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ऑन एडिंग एन वन, यहाँ पे हम ऐड करते हैं एन वन पी टू, ऑन एडिंग एन वन पी टू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आप देख ले जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी उसमें हम ये एन वन पी टू जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम ऐड कर रहे हैं, ओके, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को हम अगर ऐड कर देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो पी वन एन वन प्लस हम क्या कर रहे हैं उसमें एन वन पी टू इज इक्वल टू पी टू एन टू प्लस हम यहाँ पे कर रहे हैं एन वन एन टू एन वन पी टू, हमने ये जो है वो इसमें यहाँ पे भी ऐड कर दिया है और यहाँ पे भी ऐड कर दिया। अब आप देखें कि ये वाली जो लाइन है, आप देखो यहाँ से कि ये वाली जो लाइन है इसमें मैं अगर ये ऐड कर देता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बनेगी ना पी वन पी टू, ओके, तो इसको ऐड करने पे पी वन पी टू बना, और फिर यहाँ से इसमें मैं अगर सॉरी इसमें मैं अगर ये ऐड करता हूँ तो क्या बनता है एन वन एन टू बनता है। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे डायरेक्ट नीचे की और मैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी किसके इक्वल होगी P1, P2 के इक्वल होगी, और यहाँ से किसके इक्वल होगी N1, N2 के इक्वल होगी, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट और सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और फर्स्ट नोडल पॉइंट और सेकंड नोडल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। इस टाइप से हमने जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है उसको भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ से जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये और ये तो हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है फर्स्ट प्रॉपर्टी में, इसका जो
कह सकते हैं माप होगा, इसका जो लेंथ होगा वो यहाँ पे एफ टू माइनस एफ वन होगा। देखें आप, ये वाले डिस्टेंस एफ वन है, ये वाले डिस्टेंस एफ टू है, तो एफ टू माइनस एफ वन हमको ये प्रूफ करना है। सो हाउ कैन बी प्रूफ एफ टू वन, ये जो है एफ वन माइनस एफ टू के इक्वल होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो है ट्रायंगल, यहां से देख सकते हैं ये वाला जो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखो ये इस टाइप से ट्रायंगल बन रहा है और सेकंड ट्रायंगल भी यहाँ से इस टाइप से बन रहा है। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, एफ वन है यहाँ पे, ये ए वन है, ये यहाँ पे है एन वन, ओके, और यहाँ पे कोई बीच में पॉइंट है जिसको हम कहते हैं पी वन। इसी टाइप से यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हमने कहा कि ये पॉइंट एच टू है और ये पॉइंट P2 है और यहाँ पे जो पॉइंट है वो F2 पॉइंट है। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रॉम ट्रायंगल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल F1 A N1, ओके, F1 A N1 एंड, और दूसरा हमका हमारा पॉइंट कौन सा है, ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है P2 H2 F2। इस दोनों ट्रायंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों ट्रायंगल में ये वाले जो एंगल है, ओके, ये जो साइड से भी हाइट तो इक्वल होगी क्योंकि जिस हाइट से यहाँ से जो रे है वो इंसिडेंट रे जा रहे है उसी हाइट से वहां पे उसका रिफ्रेक्शन होगा ना, तो ये हाइट तो इक्वल होगी। देन हम बात करते हैं कि यहाँ से, ओके, यहाँ पे ये यह जो पॉइंट है N2 है, मैं इसको लिख भी देता हूँ, यहाँ से एक पॉइंट N2 भी है, और दूसरी मैं अगर बात करता हूं कि जिस एंगल से यहाँ से जा रहे उसी एंगल से वहां पे रिफ्लेक्टेड होगी, तो हम कह सकते हैं टोटली, और ये एंगल जो 90 डिग्री टोटली हम इसको कह सकते हैं भी एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, सर्वांगक्षम ट्रायंगल है। इस टाइप से हमने इसको यहाँ पे सर्वांगक्षम के जो साइन है उससे बता दिया है। अब जब सर्वांगक्षम है तो उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं बात करता हूं कि एफ वन एन वन जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के इक्वल होगी, तो क्या हो जाएगा पी टू एफ टू। अब मेरे को बताओ कि P2 F2 किसके इक्वल है, P2 से F2 के बीच की डिस्टेंस क्या है, F2 है, तो वी कैन से दैट कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, ये किसके इक्वल हो जाएगी, F2 के इक्वल हो जाएगी। तो हमने इसको यहाँ पे क्या कर लिया है, इसको ये वाली डिस्टेंस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आगे कोष्टक में कॉमा बना के, ये हो जाएगा कॉलम बना के पी टू एफ टू इज इक्वल टू एफ टू हो जाएगा। तो यहां से हमने लिख लिया कि भाई एफ वन एन वन इज इक्वल टू एफ टू। अब F1 N1 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक तो हम इसको इस टाइप में तोड़ सकते हैं और एक हम इसको इस टाइप में ब्रेक कर सकते हैं, तो दो पॉइंट्स में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। सो वी कैन राइट F1 P1 प्लस हम इसको कैसे लिख सकते हैं P1 N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। और मैं बात करता हूं हमारे पास में P1 N1 जो है वो फाइंड करना है, ये तो फाइंड करना ना, आप यहां से देखो ये हमको क्या फाइंड करना है कि P1 N1 जो है वो इसके इक्वल है ना, ये तो फाइंड करना है, तो P1 N1 हमको फाइंड करना है। और मैं बात करता हूं यहां से कि F1 P1 जो है वो किसके इक्वल है, F के इक्वल है, F1 के, ये देखो F1 P1 जो है वो F1 के इक्वल है, देन यहां से इसको मैं लिख लेता हूं F1 प्लस क्या हो जाएगा यहां से P1 N1, ओके, ये N1 है और यहां से ये हो जाएगा F2, देन ये क्या हो जाएगा P1 N1 इज इक्वल टू F2 माइनस F1। और यहाँ पे हमने सबसे पहले प्रूफ क्या किया था फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन से कि P1 N1 जो होता है वो P2 N2 के इक्वल होता है, और यहाँ से हम वापस क्या लिख सकते हैं कि ये इक्वल होता है F2 माइनस F1 से। इस टाइप से हमने ये फॉर्मूला भी फाइंड कर दिया इसकी डिस्टेंस का, इसकी डिस्टेंस भी क्या होती है। सो आई होप आपको ये डेरिवेशन बिल्कुल समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।